देखो 2012 का ही एग्जाम्पल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of sine 1920 degrees sine 1920 degrees a hai 1 by 2 b hai 1 by root 2 c hai root 3 by 2 aur d hai 1 by 3 ये भी बहुत सिंपल है, आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। एंड साइन 1920 की वैल्यू क्या है? निश्चित रूप से 1/3 तो नहीं हो सकती है, ये साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू 1/2। इन तीनों में से इसको अलाइन एंगल के फॉर्म में लिखें। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ इसको सोचने के लिए, तो बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। सभी स्टूडेंट को एक सूचना है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 30 सितंबर से पहले आपको सबमिट करना है और आपका एडमिशन करवाना है। पूरे डॉक्यूमेंट्स बोर्ड में सबमिट करने हैं हमें, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं सबमिट किए हैं वो 30 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, बाद में लेट फीस लग सकती है आपको। इसके लिए बोर्ड की तरफ से आपको पेनल्टी लग सकती है पैसों के रूप में। तो जिन सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि 30 सितंबर से पहले अपने डॉक्यूमेंट कैंपस में आकर, आस्था डिफेंस अकेडमी के कैंपस में आकर सबमिट करवाना है। स्टूडेंट खुद नहीं आ सकते तो पेरेंट्स को भेज सकते हैं, दो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट एक पेरेंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना 30 सितंबर से पहले जरूरी है, बाद में आपको उसको लेट फीस चार्ज करना हो जाएगा बोर्ड की तरफ से। स्टूडेंट्स हमें साइन 1920 का निकालना है, तो 360 का टेबल हम अगर करते हैं तो इसको 360 के मल्टीपल में लिखना है 1920 को पहले, क्योंकि 360 इज 2π। 365 अगर हम करते हैं तो देखो 5 0 5 5 6 13 और 0 carry 3 5 3 15 plus 3 18। 365 1800 और 1920 से 1800 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 120 बचते हैं स्टूडेंट। तो देखो ये साइन 1920 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ
360 + 120। पहले तो इसको आप ऐसे ऐसे लिखेंगे साइन 1800 + 120। साइन 1920 को आप कैसे लिख रहे स्टूडेंट्स? साइन ऑफ 1800 डिग्री प्लस 120 दैट इज 1800 इज 5 × 360 प्लस 120। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइन एंगल में साइन 2π n × 2π। अगर है 2π को n से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है। n की वैल्यू यहाँ पे 5 है। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइन एंगल। अगर ये पाई का कोएफिशिएंट अगर इवन होता है, ये इंटीजर होता है तो साइन का साइन होता है, और पाई का कोएफिशिएंट अगर फ्रैक्शनल होता है तो साइन का साइन ही चेंजेस होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये होगा साइन 120। 120 डिग्री को हम ऐसे लिखेंगे साइन 180 − 60। तो साइन पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा, क्योंकि एएसटीसी रूल के अनुसार ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये होगा साइन 60। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। अभी तो स्टूडेंट, आप खुद स्टूडेंट को आना जरूरी नहीं है सॉल्यूशन के लिए, पेरेंट्स आए तो भी चलेगा, आपके कोई रिश्तेदार आए तो भी चलेगा। अगर कोई कोई एक जगह से दो स्टूडेंट आ रहे हैं तो एक साथ ऋषिकेश सर के साथ आप कम्युनिकेट करो, आपके गांव का, आपके नियर, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके कौन स्टूडेंट आने वाला है। चले सभी को आए आने वाला है। एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये 1b है, 2c है 1/2 और d है 1/3। No, screen is okay at my side.
Very nice. Ratnadeep, correct answer. Ratnadeep Sakpute, congratulations. Siddha, correct. तो देखो स्टूडेंट्स, गिवन है साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा. यू नो दैट वन बाय कोसेक थीटा इज साइन थीटा एंड वन बाय सेक थीटा इज कॉस थीटा. तो स्टूडेंट ये होगा साइन थीटा अपॉन वन बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन बाय कॉस थीटा. ते डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर होता है कि साइन थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू कॉस That is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Option A. Sine square theta plus cos square theta is 1. Fundamental element. ओके स्टूडेंट, मैं आपको होमवर्क के लिए दो एग्जांपल दे रहा हूं. यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये सभी 2012 के हैं. एनडी 2012 एवी वाला एक नंबर दे रहा हूं मैं उसका. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. ये है माइनस वन. आप भी सॉल्व कर सकते हैं. आपको ऐसा लग रहा है क्या आप दो साल बाद ही ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप भी सॉल्व कर सकते हैं. आप सभी को आता है लेकिन आप आपको स्वयं को काबिल नहीं समझ रहे हैं सॉल्व करने के लिए. आप अपने खुद को एक्सपीरियंस नहीं समझ रहे हैं. कोसेक थीटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3. अगर आप 5 किलोमीटर एथलेटिक्स में से अगर रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो आप 7 किलोमीटर की प्रैक्टिस करो. 7 किलोमीटर के लिए आप तैयार हो जाओ तो 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं लगेगा. इसी सिद्धांत के ऊपर विश्वास करता है आस्था डिफेंस एकेडमी. थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगेगा. ये दो एग्जांपल आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स. और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट 30 सितंबर से पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन करवाए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू.
थैंक यू स्टूडेंट्स, टुमारो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।